डार्क वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको उन्हें कमेंट पड़ेगा, अमित भड़ाना पर वीडियो बनाओ। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं नहीं, तुम चाहते क्या हो कि अपना हाल भी कुणाल कमरा जैसा हो जाए। यलगार कैरी मिनाती का न्यू सॉन्ग, भाई ने तो पूरी आग ही लगा दी, मतलब कतई जहर। आमिर सिद्दीकी के लैंग्वेज में बात करें तो भाई फायर इंटू 100। और देखो ना, ये सॉन्ग ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो चलो यार, आज हम बात करेंगे इस सॉन्ग के बारे में, कैरी मिनाती वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में, और साथ ही में देखेंगे टिकटॉकर्स रिएक्शन ऑन कैरी मिनाती। तो चलो यार, सॉन्ग के साथ वीडियो शुरू करते हैं। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। अब YouTube में कुछ लोगों का कहना है कि भाई कैरी मिनाती का ये सॉन्ग टेक्निकल गुरुजी के सॉन्ग का कॉपी है। अब इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, सबसे पहले टेक्निकल गुरुजी का सॉन्ग सुनते हैं। एक कहानी मुझे सबको बतानी है, थोड़ी सी नई है और थोड़ी सी पुरानी है। यार सिर्फ एक लाइन सेम होने से सॉन्ग कॉपी नहीं होता। टेक्निकल गुरुजी का सॉन्ग अलग है, कैरी मिनाती का सॉन्ग अलग है। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि दोनों का टाइटल मिलता जुलता है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत। वेट अ मिनट, मैंने की है मेहनत। एनी क्वेश्चंस? यस सर। यस, वो यूट्यूबर अगर सॉन्ग बनाने को रहा तो उसको मेहनत बोलना जरूरी है क्या? अब देखो, इस बात के लिए मुझे हेट मत देना, मैंने ये बस फन के लिए किया। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इनले फूल। एक्चुअली सेम बात जो कैरी मिनाती ने सॉन्ग में कही, इन्होंने एक वीडियो में भी कहा है, बस वो वीडियो मुझे मिला नहीं। अब जब कोई हिंदी में गाली देता ना तो सब ऐसे ची 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 साला ये अनपढ़ गरीब वल्गार। अब कोई इंग्लिश में गाली दे दे तो वो तो चलता है, वो तो कूल है, वो तो अमीर है, उसने ये बोलने के लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है। फूल से भरो, देख मेरा फूल तो मैं हो गया आगे प्रिंसिपल पर, मैं हूं पूरा स्कूल। अब देखो, कुछ लोग बोल रहे थे कि यार प्रिंसिपल ही तो स्कूल को चलाता है। तो मेरे भाई सुन, प्रिंसिपल भी किसी स्कूल से पढ़कर प्रिंसिपल बनता है, बिना स्कूल के प्रिंसिपल की भी कोई वैल्यू नहीं होती। यार किसी ने नोटिस किया कि यहाँ पर लाइक और डिसलाइक के साथ फक ऑफ का भी साइन है। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर। अब देखो, कैरी मिनाती ने यहाँ पर मेनली 3 यूट्यूबर्स को टारगेट किया है, साइमन से, कुणाल कामरा और ध्रुव राठी। अब देखो, कुणाल कामरा और साइमन से इसका तो क्लियर है, इवन मैंने कुणाल कामरा पे वीडियो भी बनाई है, लेकिन ध्रुव राठी क्यों? चलो इस पे बात करते हैं। अब देखो, ध्रुव राठी ने भी यूट्यूब से टिकटॉक पे 13 मिनट 19 सेकंड की वीडियो बनाई थी, और मेरे भाई 7 मिनट तक तो वीडियो बहुत मस्त थी। मतलब मैंने किसी को भी नहीं देखा इस मैटर को, इस यूट्यूब से टिकटॉक के मैटर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, और इसके लिए तो भाई की तारीफ करना बनता है। लेकिन अगले 1 मिनट उनके वीडियो में जो पॉइंट थे वो भाई मुझे पर्सनली सही नहीं लगे। और यही रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बायस्ड हैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए इंडिया में, जो लोग पहले से ही अफोर्ड कर सकते हैं थोड़े पैसे लगाना, थोड़ा टाइम साइड में रखना यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि यार टिकटॉक पे एंट्री बैरियर कम है और टिकटॉक की वीडियो बनाना ज्यादा आसान है, पर मेरे भाई यूट्यूब में भी तो एंट्री बैरियर नहीं है। मतलब यूट्यूब कहां हमसे वीडियो अपलोड करने के पैसे लेता है, और हर कोई यूट्यूब पे छोटे से ही स्टार्ट करता है। आप भी तो पहले आईफोन 6 से रिकॉर्ड करते थे, लेकिन आज आप डेफिनेटली कैमरा का यूज करते होंगे। और मेरे भाई, एक सर्वे से पता चला है कि आज भी 80% यूट्यूबर्स मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, और लॉन्गेस्ट टाइम तक बिगेस्ट यूट्यूबर रहने वाले भुवन बाम आज भी मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। और अगर बात हुई इन्वेस्टमेंट की, तो भाई एक अच्छा टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना होता है। आपके पास अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, आपके पास ट्राइपॉड होना चाहिए, और आपके पास DSLR होनी चाहिए। और टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म ज्यादा बायस्ड है कंपेयर टू यूट्यूब। हेलो गाइस, मेरा नाम समीद आलम है। मैं टिकटॉक से कहना चाहता हूँ कि आप यार बिल्कुल हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। मेरे काफी वीडियोस के साउंड ऑटोमेटिक म्यूट हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं वो, और लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उसका साउंड नहीं आ रहा। तो प्लीज ऐसा ना करें, काफी मेहनत से चीजें बनती हैं, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा टिकटॉक। सॉरी टू से, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल गलत है। फिर 8.38 सेकंड से 11.52 सेकंड तक इन्होंने कैरी मिनाती के बारे में बात किया, और भाई इन्होंने जितनी भी बातें कही सारी सही थी, बट सारी इररेवेलेंट थी। मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि भाई ये टॉपिक से हट कर बात कर रहे हैं। लेकिन 11 मिनट 52 सेकंड के बाद इन्होंने कैरी मिनाती पर रॉन्ग एलिगेशन लगाए और लोगों को मिसगाइड किया। सेम सिचुएशन में कहूंगा कैरी मिनाती के वीडियो में है कुछ जगह पर,
कुछ जगह पर कैरी मिनाटी ने होमोफोबिक शब्दों का इस्तेमाल किया है सटल तरीके से, जो कि एक गाली की तरह साउंड करते हैं। छक्का बोलना, गे बोलना गाली की तरह यूज किया गया है। ध्रुव सर, या तो आपने कैरी मिनाटी की वीडियो नहीं देखी या फिर आप इस टॉपिक को कवर करने में इतने एक्साइटेड हो गए कि आपने सही से रिसर्च नहीं किया। कैरी मिनाटी ने अपने पूरे वीडियो में कहीं पर भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गे या फिर छक्का वर्ड का यूज नहीं किया है। मैंने तो नहीं सुना, अगर आप में से किसी ने सुना है तो भाई मुझे जरूर बता नीचे कमेंट में। आई नो आपसे जाने अनजाने में गलती हुई है, वैसे भी ये पहली बार तो है नहीं कि आपने गलती की है, इससे पहले भी आपने कई बार गलतियां की है। फिर चाहे वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रॉन्ग ROI कैलकुलेशन हो या फिर 52 मिलियन लोगों के पुअर्टी लाइन के नीचे रहने की बात हो। वैसे यार ये वीडियो काफी ज्यादा सीरियस हो गया, तो चलो यार फिलहाल देखते हैं कुछ टिकटॉकर्स को जिन्होंने कैरी मिनाटी पर रिएक्ट किया है। फ्रेंड्स, कितने लोग हमको कमेंट कर रहे हैं कि तुमको मिठाई के दुकान में ले जाएंगे, 200 रुपए में बिक जाएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, चल बेच भाई, तू बेच। अरे बेचना रे यार, मैं गया था मिठाई दुकान में, लेकिन दुकान वाला बोला कि यार ये पूरी तरह से सड़ चुकी है, लेकिन जस्ट बिकॉज इसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इसका वो 150 रुपया देगा। जब कैरी ने बोला ना, सांपों से भरा हुआ है ये समंदर, पीठ से मारा है इन्होंने खंजर, भाई सब ये बात दिल पे लगी थी। यार ये बात मेरे भी दिल पे लगी थी। वैसे देखो ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पॉपुलर सॉन्ग पे कोई भी बड़ा टिकटॉकर लिप सिंक नहीं कर रहा। सही बात है। तो भाई बहुत लोग बोल रहे थे कि कैरी मिनाटी की वीडियो देखी भाई कुछ बोल दो, तो भाई इस बार मैं सिर्फ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मुझे पसंद आई और मेरी फेवरेट लाइन उसमें से ये है कि तुम हो गए आगे प्रिंसिपल लेकिन मैं हूँ पूरा स्कूल। तो भाई फटाफट लाइक मारो वीडियो को और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाओ यार। हाँ भाई तूने सही कहा, एक्चुअली लास्ट टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते बनते रह गया, लेकिन इस बार मुझे पता है कि ये सॉन्ग डेफिनेटली बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला है। कैरी मिनाटी, एक होती है बेस, फिर होती है महाबेस, फिर पता है क्या आता है, बंदा टिकटॉक की मार्केट टिकटॉक पे हर तीसरे वीडियो पे ट्रेंडिंग है भाई। इसीलिए कहते हैं फॉलोअर्स मत बनो, फैंस बनो। वाह मैडम जी वाह, क्या बात कही है। मन तो कह रहा है कि आपको टिकटॉक पे फॉलो कर लूं, लेकिन यार क्या करूं, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। एकदम डर जाना किसको बोलते हैं नहीं पता। इंस्टाग्राम पर जाइए, आमिर सिद्दीकी का प्रोफाइल ओपन करिए, ये देखिए, एंड उसका कोई भी फोटो ओपन करना जैसे कि ये हो गया, एंड इस पर कमेंट में जाइए। कमेंट बंद कर दिया है बेटी ने, बेटी की इतनी फट गई है कि बेटी ने कमेंट ही बंद कर दिया है लोगों के। नहीं मैडम जी नहीं, सिर्फ आमिर सिद्दीकी की नहीं बल्कि सारे बड़े टिकटॉकर्स की फट गई है। बड़े आए थे दिखाने, प्यार, सपोर्ट, इज्जत। अगर कैरी भाई आमिर सिद्दीकी को 200 रुपए में बेच सकते हैं, तो रियाज और फैजू कितने में बिकेंगे? अब देखो काजू और प्याज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका प्राइस मैंने बता दिया है, कमेंट करके बताओ कि कितना है। कैरी मिनाटी का दिमाग खराब हो गया वीडियो डिलीट होने के बाद, अब वो कहानियां लिख रहे हैं। बेटे लिख लिख लिख। यार छोड़ो मैं क्या बोलूं, खुद टिकटॉकर ने इसकी बजा दी है। कैरी मिनाटी का दिमाग खराब हो गया वीडियो डिलीट होने के बाद, अब वो कहानियां लिख रहे हैं। बेटे लिख लिख लिख। और तुझे पता भैया तू किसके बारे में बोल रहा है? अगर तेरा बाप भी कैरी भाई को देखेगा ना तो यहीं तरह से बोलेगा, देख तेरा बाप आया। तो चलो यार आज की मजदूरी यहीं पर खत्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो बेशक इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और यार देखो ना, आप में से 85% लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार सब्सक्राइब भी तो कर दो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो साथ, तब तक के लिए गाइस चलो बाय। अभी आप फकन फैला रहा कि अपन ब्यूटी खान का रस्ट करने वाला है, मतलब बोलोगे तो कर भी देगा, समझा कि नहीं।